हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की एक ऐसी रेसिपी जो कि हम किसी शादी पार्टी या रेस्टोरेंट में खाते हैं और कहते हैं अरे वाह कितनी टेस्टी है, काश ये रेसिपी हम भी बना पाते। तो आज वही रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू इंडियन होम एंड रेसिपीज विद नीना। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर पनीर की रेसिपी। उसके लिए मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है, 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिए हैं। अब इस तेल को गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं 2 से 3 रफली चॉप किए हुए प्याज डाल रही हूँ, अदरक के टुकड़े, 10 से 15 लहसुन की कलियां। अब इन सबको सुनहरा ब्राउन होने तक भूनना है। तो ये सुनहरे ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ क्योंकि इनको ठंडा होने के बाद इनकी ग्रेवी तैयार करनी है। दूसरी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मगज, पानी जो है उसे हल्का सा गर्म कर लिया है, और ये 4 तरह के मगज हैं और साथ में काजू हैं। इनको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भीगने के लिए रख दिया था, अब इन्हें जस्ट ब्लांच करना है। ब्लांच करने से क्या होगा, एक तो ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और दूसरा है कि अगर इनमें किसी भी तरह की हल्की सी कोई महक हो तो वो भी निकल जाती है। तो जब ये ब्लांच हो जाए तो इन्हें ठंडे पानी से धो लें अच्छी तरह से, और उसके बाद इनकी ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिया है और एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब जो प्याज फ्राई किया था उस प्याज का भी मैं पेस्ट बना रही हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर प्याज जो है उसमें मैं दो से तीन चम्मच पानी डालूंगी। इससे क्या होगा कि ये इजीली से ग्राइंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं सेम ही कढ़ाई में तड़का लगाने जा रही हूँ। तो इसके लिए फ्लेम ऑन कर दी है, 2 चम्मच ऑयल ले लिए हैं, अब इसमें तेज पत्ता डाल दिया है, 1 चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ। जीरा चटक जाए तो उसके बाद इसमें डाल देना है हमने जो अनियन की ग्रेवी बनाई थी। फ्रेंड्स, इस ग्रेवी को ज्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी अनियन जो है वो हमने फ्राइड ही डाला है। तो जस्ट मिक्स करना है इसे, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ये जो रेड चिली पाउडर है ये देगी मिर्च नहीं है, ये होममेड जो चिली होती है उसका पाउडर बनाया गया है, तो इसलिए मैं सिर्फ 1/2 टेबलस्पून ही ले रही हूँ। अब इनको आपस में मिक्स कर लेना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी, ये 3 से 4 टमाटर की प्यूरी बनाई थी तो वो डाल रही हूँ। अब इनको आपस में मिक्स करना है, और अब टमाटर को अच्छी तरह से भूनना है। जब तक भूनना है जब तक कि इसका तेल जो है वो ऊपर हमें ऊपर आ जाएगा, जैसे ग्रेवी के ऊपर तेल आ जाता है तो उस तरह के से हमें इसे भूनना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पहले इसका कलर कैसा था और जब ये अच्छी तरह से भून चुका है तो उसका कलर कैसा है। तो बस इतने ही लेवल तक हमें इसे टमाटर को भूनना है जब इसका तेल ऊपर को आ जाए। तो जब इस तरीके से ये भून जाए तो अब इसमें 4 मगज और काजू का बनाया हुआ पेस्ट है वो डाल दिया है। अब इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भूनना है लो मीडियम फ्लेम पर। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं हल्का सा इलायची का पाउडर। तो इलायची का पाउडर जो है वो इस रेसिपी में बेहद
अच्छा टेस्ट देता है, तो ज़रूर इंक्लूड करें। और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ ये किशमिश है, जिसे पानी में भीगने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अपने मटर पनीर का टेस्ट खट्टा मीठा चाहते हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये मटर हैं वो डाल रही हूँ, ये फ्रेश वाले मटर हैं, फ्रोज़न मटर नहीं हैं, तो इनको मैंने एक सीटी लगवा ली थी और अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ग्रेवी जो है हमारी थिक लग रही है, तो इस ग्रेवी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, तो आप अपने ही अकॉर्डिंग जितना आपको थिक या थिन चाहिए तो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक लें, और साथ में गरम मसाला 1 टेबल स्पून लिया है। और अब इसे ढक्कन से कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए मैं लो मीडियम फ्लेम पर रहने दूंगी। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इस ग्रेवी को देख चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो परफेक्टली बनके तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैं ये जो टुकड़े हैं पनीर के वो डाल रही हूँ कटे हुए, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसे 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक कर के रख देंगे, ताकि जितनी भी मसाले हैं वो सारे पनीर के अंदर मिक्स हो जाएं, पनीर और मसाले आपस में मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस मटर पनीर की रेसिपी का जो कलर है वो कैसा आया है, और बेहद टेस्टी बनी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट या शादी पार्टी में ये वाली मटर पनीर की सब्जी खा करके आप इस वाली रेसिपी को घर पर बना के खाएंगे तो दोनों को कंपेयर करके देखिएगा, बिल्कुल वही टेस्ट होगा, वही स्वाद होगा और वही कलर होगा। तो अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेती हूँ, और अब इसे हरे धनिए से गार्निशिंग कर लेती हूँ। हरे धनिए के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जैसे ही सब्जी गरम गरम हो तब आप हरा धनिया ना डालें, जब आप खाने लगे सब्जी रेसिपी को, किसी भी रेसिपी को, तो तब आप उसे हरे धनिए से गार्निशिंग करके खाएं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।